अनिका, क्या तुम वास्तुशास्त्र में बिलीव करती हो? वास्तुशास्त्र ना हमारे चारों ओर जो नेगेटिविटी होती है उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करती है, हमें अच्छा जीवन देती है। बहुत पुरानी इंडियन साइंस है। सोचो इस बारे में, क्या तुम आत्माओं में विश्वास रखती हो? अच्छी आत्मा, बुरी आत्मा, कभी कभी भटकती हुई आत्माएं हमको संपर्क करती हैं अपनी अधूरी इच्छाएं पूरी करने के लिए। मुझे तो लगता है ये किसी भटकती आत्मा का साया है जो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए तुम्हें परेशान कर रहा है। ये कोई भटकती आत्मा का चक्कर नहीं है। तुम फिजूल की बातें मत करो। हो सकता है, लेकिन अगर ये किसी दुखी भटकती हुई आत्मा का काम हुआ तो क्या कभी तुमसे किसी को दुख पहुंचा हो या शायद किसी को तकलीफ हुई हो? मेरी 6th स्टैंडर्ड के बच्चों की क्लास है, मुझे निकलना होगा। रुको अनिका, मेरा विश्वास करो। मैं जानती हूँ इस आदमी को, बहुत अच्छा वास्तु कंसल्टेंट है, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। एक बार मिलने में क्या हर्ज है? जी हेलो, क्या मैं मिस्टर भूपति से बात कर सकती हूँ? हेलो जी, हाँ आप कौन? जी मेरा नाम अनिका वर्मा है, मुझे शीना वर्मा से आपका नंबर मिला है। मैं सोच रही थी कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। जी हाँ कहिए, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? क्या ये ठीक होगा अगर मैं फोन पे आपको अपनी प्रॉब्लम बताऊं? आम तौर पर मैं अपने क्लाइंट से पर्सनली मिलना पसंद करता हूं, लेकिन मैं अभी आउट ऑफ स्टेशन हूं। तो बताइए मिसेस अनिका, आपको क्या परेशानी है? ठीक है, मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं और मैं और रजत खुश हैं। मेरे पति
आईटी फर्म में एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं और मैं बिग विंग्स एकेडमी में हाई स्कूल की टीचर हूँ। मेरे पति को काम के सिलसिले में इंडिया और बाहर ट्रैवल करना पड़ता है। 3 महीने पहले वो किसी काम से ऑस्ट्रेलिया गए थे। जब से लौटे हैं मेरे पति बदल गए हैं। मैं बता नहीं सकती लेकिन मैं उनमें भारी बदलाव महसूस कर रही हूँ। वो इतने खुश मिजाज, इतने हंसमुख और इतने लाइवली हुआ करते थे लेकिन अब शायद ही कभी हंसते हैं और शायद ही कभी मुस्कुराते हैं। इससे भी ज़्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि वो किसी भी चीज़ या किसी के लिए भी कोई इमोशन नहीं दिखाते हैं। मैंने उनसे इस बारे में बात करने की कोशिश की लेकिन वो ये भी नहीं मानते कि वो इतना अजीब बिहेव कर रहे हैं। मैं अचानक उनसे अलग हो गई हूँ ऐसा मुझे महसूस होता है और मैं क्या महसूस करती हूँ इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक गोल्डफिश लाओ। सॉरी, क्या कहा आपने? नॉर्थ सर्कल पे कोंकण फिशरी शॉप से इसे खरीदे। इसे 2.5 इंच के स्टूल पर उत्तर पूर्व की तरफ मुंह करके रखे। यह समस्या का समाधान करेगा। गोल्डफिश। इस ज्योतिषी की बकवास के बारे में सोचना बंद कर। अपने पति के लिए सही काम करने पर अपना ध्यान दो। कुछ ऐसा करो जिससे कि उसका मूड अच्छा हो जाए। कुछ ऐसा पहनने की कोशिश करो जिससे वो तुमको फिर से चाहने लगे, जैसे पहली बार तुमने एक दूसरे को देखा। सिमी, मुझसे बात करना तो दूर, वो मुझे नोटिस भी नहीं करता। मुझे लगता है कि तुम्हें एक साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। साइकेट्रिस्ट? सिमी, तुम कहां से कहां पहुंच गए? ओ कम ऑन अनिका, तुम्हें पता है कि शादियां हमेशा के लिए अपने हनीमून के जैसे नहीं रहती है। सिमी, मैं ऐसी उम्मीद नहीं करती लेकिन जिस तरह से वो बिहेव कर रहा है मैं बता नहीं सकती। ऐसा लगता है जैसे मैं उसकी लाश के साथ जी रही हूँ, जैसे मैं उसके लिए इनविजिबल हूँ। उसे मेरी मौजूदगी का एहसास नहीं होता। वो बस ऑफिस जाता है, आता है और खाना खा के सो जाता है। मैं उससे कुछ भी पूछती हूँ तो उसके पास बस एक मोनोसिलेबिक जवाब होता है। कभी कभी तो बिल्कुल भी जवाब नहीं देता है। क्या तुम्हें लगता है कि उसे कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया या ऐसा कुछ हो सकता है? ओह अनिका, तुम इसे बहुत दूर ले जा रही हो। मैं तुम्हें बताऊंगी क्या करना है। उसका पसंदीदा रात का खाना बनाओ, बैकग्राउंड में उसका फेवरेट म्यूजिक बजाओ, एक अच्छा सा सेक्सी नाइटवेयर पहनना और उस पर अपना जादू चलाना। सुबह मुझे बताओ कि क्या हुआ। ठीक है, मैं। Thank you.
कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? Nothing special, as usual. रजत, वो मुझे एक गोल्डफिश चाहिए। मैडम को गोल्डफिश दिखाओ। कितनी सुंदर हो तुम। तुम्हें कुछ नाम देते हैं। स्प्लैश। ये क्या है? गोल्डफिश।
मैंने उसका नाम स्प्लैश रखा है। लेकिन क्यों? शीना ने मुझे उसे गिफ्ट में दिया। क्या हुआ? घर में कोई है? क्या? कोई नहीं है। तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा? नहीं, वहाँ पे एक औरत है। क्या? अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ, मैं जाके देखती हूँ। सुनो, आज मैं 4 दिनों के लिए नासिक जा रहा हूँ। क्या? अचानक? तुम अभी मुझे बता रहे हो? कल भी तो बता सकते थे। मैं भूल गया था। भूल गए थे? ओ कम ऑन रजत, ऐसे कैसे भूल गए थे? मुझे देर हो रही है। फिश मेडिटेशन या फिश योगा एक स्ट्रेस फ्री कर देने वाली थेरेपी है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन बहुत ही आसान व्यायाम है जिसमें आपको एक मछली को पानी में तैरते हुए देखना है। मछली से ध्यान हटेना, आपको अत्यंत शांति और आराम का अनुभव होगा। इससे आपके मन को एकाग्रता और शांति का अनुभव होगा। इसे 20 से 30 मिनट करें।
क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें पैनिक अटैक आया था? नहीं, कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। रजत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी मदद करने के लिए। प्लीज मुझे बताओ कि ये सब क्या है और हम इसे एक साथ निपटेंगे। मैंने मिस्टर भूपति की सलाह मानी जैसे तुमने बताया था। कुछ हुआ फायदा उससे? घर में कुछ अजीब हो रहा है। जब से घर में मछली आई है रजत अजीब हरकतें कर रहा है। अब तो दिन के समय में उसे बुरे सपने भी आने लगे हैं, जैसे घर में कोई औरत हो जबकि वहां कोई नहीं है। मुझे नहीं पता कि मछली सच में मदद कर रही है या इससे कुछ और खराब हो रहा है। मेरा मतलब है, जब मैं स्प्लैश के साथ होती हूँ तो मुझे बहुत शांत और अच्छा महसूस होता है, लेकिन रजत, मुझे नहीं पता कि रजत के साथ क्या हो रहा है। देखो अनिका, मिस्टर भूपति जो भी उपाय बताते हैं ना, वो कोई मैजिक नहीं है, साइंस है। रातों रात कुछ भी नहीं बदलने वाला। हैव पेशेंस, इतनी जल्दी कुछ नहीं होगा, पर धीरे धीरे चीजें चेंज होंगी। देखते हैं। अरे, स्विच्ड ऑफ। अभी तक फोन स्विच्ड ऑफ है, कहाँ होगा ये, किसे पता होगा? हाँ, तरुण।
हेलो तरुण। भाभी जी बोलिए। रजत अभी तक घर नहीं लौटा है, उसका फोन शाम से बंद है। क्या क्या मतलब है कि वो वापस नहीं आया? हाँ वो आज घर नहीं आया, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। भाभी जी आज वो ऑफिस नहीं आया था, हमें बताया गया था कि वो आज बीमार है। कहीं अब दोनों के बीच झगड़ा तो नहीं हुआ? कहीं गुस्से में चला गया होगा? सच बताऊं तो जब से वो ऑस्ट्रेलिया से आए हैं तब से उनका बिहेवियर बिल्कुल बदल गया है, गुमसुम से हो गए हैं, हंसना तो मानो भूल ही गए हैं। तुम्हें पता है क्या वहाँ ऐसा कुछ हुआ था क्या? हाँ खोया खोया तो मुझे भी लगा, क्यों ना आप डेविड से पूछते हो, डेविड उसके साथ ऑस्ट्रेलिया गया था। हेलो अनिका जी। हेलो और तब से वो गायब है। क्या आपको हाल के दिनों में उसका व्यवहार कुछ अजीब लगा? हाँ वो कुछ महीनों से डिस्टर्ब लग रहा था। क्या इससे पहले कोई अजीब घटना हुई थी जिससे पता चल सके कि वो क्यों डिस्टर्ब था? हाँ 3 महीने पहले वो एक बिजनेस ट्रिप पे ऑस्ट्रेलिया गया था, उसके बाद से ही उसका बिहेवियर बदला हुआ लग रहा था। ठीक है हम उसके सेलफोन की लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश करेंगे और जानकारी के लिए हम उसके ऑफिस पर भी पूछताछ करेंगे। इस बीच अगर वो आपसे संपर्क करता है या अगर फिरौती के लिए आपको कोई कॉल आती है तो कृपया हमें सूचित करें। और हाँ हमें उसकी कोई फोटो तो दे दीजिए, ढूंढने में आसानी होगी। जी जरूर। ठीक है चलते हैं। हाँ डेविड आ रहा हूँ, बस निकल ही रहा हूँ। ओके ओके हाँ हाँ ठीक है, तू रुक अभी। बाय अनिका। बाय।
हेलो, हाँ हेलो अनिका जी। डेविड, रजत गायब है, वो कल से घर नहीं लौटा है। मुझे बताया गया है कि वो कल भी ऑफिस नहीं आया। हाँ, तरुण ने मुझे बताया था। क्या आपने पुलिस में कांटेक्ट किया? हाँ, मैंने मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज कराई है। हो सकता है आज पुलिस पूछताछ के लिए ऑफिस आए, लेकिन मेरे ऐसे कुछ सवाल थे जिनके बारे में मैं उम्मीद कर रही थी कि आप मेरी मदद करोगे। जी ज़रूर। आप दोनों एक साथ ऑस्ट्रेलिया गए थे, है ना? क्या वहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में मुझे पता होना चाहिए? नहीं, नथिंग स्पेशल। मुझे लगता है कि रजत, रविवार की सुबह से ही बहुत बदला हुआ है। एक मिनट, रविवार की सुबह क्या था? रविवार की सुबह तुम लोग लौटे थे ना? हम शुक्रवार को लौटे थे। क्या? वो शुक्रवार था? 16 जुलाई का दिन था? ठीक है, थैंक्स डेविड। मुझे कुछ पता चला तो मैं बताती हूँ। ओके, टेक केयर। डेफिनेटली 18 तारीख को रजत की ऑस्ट्रेलिया से वापसी थी, रविवार का दिन था। तो रजत शुक्रवार से रविवार तक कहाँ और किसके साथ था? पासवर्ड होगा यार उसका। डेट ऑफ बर्थ 7/11/87। और क्या हो सकता है? एनिवर्सरी डेट 29 अप्रैल 2019। जुलाई 2021 मुंबई। ऑस्ट्रेलियाई महिला भारत में लापता। महिला पेशा इंजीनियर, उम्र 24 साल। एमिली ब्राउर के परिवार ने उसके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। सूत्रों के मुताबिक एमिली भारत मुंबई में सुबह 8 बजे पहुंची और उसने अपने माता पिता को यह कहते हुए संदेश दिया कि वह सुरक्षित रूप से पहुंच गई है। हालांकि 2 दिन बाद जब उसका परिवार उस तक पहुंचने में सक्षम नहीं था तो उन्होंने भारत में ऑस्ट्रेलियाई दूतावास को सूचित किया और मुंबई पुलिस स्टेशन में एक लापता व्यक्ति की रिपोर्ट दर्ज की गई। पुलिस को पता चला कि एमिली ने अंधेरी के रीगल प्लाजा होटल में कभी चेक इन नहीं किया था, जिसे उसकी कंपनी ने बुक किया था। पुलिस छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे मुंबई और उसके आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच करने की कोशिश कर रही है। वह कार्यालय की भारतीय शाखा के सहयोगियों के साथ काम करती हैं, जो वापसी की यात्रा में उनके साथ थे। श्री रजत वर्मा और श्री डेविड जोसेफ से पूछताछ की गई है। हालांकि दोनों का दावा है कि 16 तारीख को मुंबई में पहुंचने और अपने अलग रास्ते जाने के बाद उन्होंने उसे नहीं देखा। मामले में पूछताछ की जा रही है। रजत 16 तारीख को मुंबई पहुंचा, लेकिन रजत 18 तारीख तक कभी घर नहीं आया और ना ही उसने मुझे बताया कि वो 2 दिन पहले कहाँ था। क्या ऑस्ट्रेलियन लेडी का लापता होना और रजत का घर लौटने के बाद उसका बिहेवियर पूरी तरह से बदल जाना एक इत्तेफाक है या कुछ और? द कॉटेज गार्डन बुकिंग कन्फर्म्ड। रजत ने कॉटेज बुक किया था
एयरबीएनबी कॉटेज। हेलो हेलो, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए 16 जुलाई से 18 जुलाई तक दो लोगों के लिए। किसने बुकिंग की थी? हेलो, आप कौन बोल रहे हैं जी? मैं रजत वर्मा की वाइफ बोल रही हूँ। मेरे पति लापता हैं। देखिए, हम अपने किसी कस्टमर्स का इन्फॉर्मेशन इस तरीके से नहीं दे सकते हैं। पुलिस? हेलो हेलो, अनिका वर्मा जी? जी, मैं इंस्पेक्टर सूरज नागतिलक बोल रहा हूँ, एक फार्म हाउस है करजत में, बंगला नंबर 27। आपको अभी यहाँ आना पड़ेगा। करजत में? लेकिन क्यों? जी, वो फोन पे नहीं बता सकता, आपको तुरंत निकलना पड़ेगा। इतनी रात को मैं नहीं आ सकती, कुछ तो बताइए क्या हुआ है। वो तो यहाँ आने पे ही पता चलेगा। देखिए, मुझे प्लीज बताइए क्या हुआ है। जी, वो आपके पति रजत वर्मा मिल गए हैं। जी, वो ठीक तो है? जी, उनकी लाश मिली। क्या? रजत की बॉडी है। इस आदमी को पहले कभी देखा है? नहीं साहब। साहब देखा है साहब, देखा ही। अक्सर आते थे। बताते जाओ साहब। ये सर जी और एक गोरी मैडम है ना, वो यहाँ अक्सर आया करते थे, लेकिन पिछली बार जब आए ना तो उन दोनों में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ साहब। किस बात पर झगड़ा हुआ था? मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं साहब, सिर्फ इतना ही पता है। देखो, हमसे कुछ मत छुपाओ, हमने सीसीटीवी फुटेज में तुम्हें खिड़की से जागते हुए देखा है। पुलिस से छुपाओगे तो और गंदे फंस जाओगे। देखो साहब, बहुत डेंजर आदमी है, इसलिए तुम्हें जो कुछ पता है सब सच सच बताओ, वरना बेकार में मर्डर केस में फंस जाओगे। नहीं साहब, मैं सब सच बताता हूँ, मैं गरीब आदमी, मुझे मारो मत साहब, मैं सब बताता हूँ साहब, मैं सब बताता हूँ। सर जी, पिछले 7-8 महीने से मैडम के साथ आते रहते थे, जब भी आते थे 4-5 दिन रुक कर ही जाते। इतनी गोरी मैम, वो भी नीले आंखों वाली, मैंने पहले कभी नहीं देखी थी।
एक बार सर जी हमेशा की तरह मैडम को लेकर आए थे। उस दिन मैंने उनके रूम की फर्श पानी से साफ की थी। मैं बाल्टी लेकर जा ही रहा था, साहब फर्श अभी अभी पानी से साफ किया है तो सूखने में थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ हाँ ठीक है। उस दिन दोनों का बर्ताव कुछ ठीक नहीं लग रहा था, शायद दोनों में झगड़ा हुआ था। कुछ देर बाद उनके रूम से आवाज आने लगी। दोनों एक दूसरे पर जोर से चिल्ला रहे। मैंने खिड़की से देखने की कोशिश की। मैडम ने जोर से सरजी को एक चाटा लगाया। ऐसा लगा कुछ अब गलत होने वाला है। मैं मोबाइल निकाल के शूट करने लगा। When we are going to get divorced? See, sir, I'm talking to my lawyer. I'm discussing it. You always say that. How long we are going to keep meeting this way? I need you, Rajat. I don't want to be your mistress anymore. See, just wait for few more weeks. You don't know what I am going through. I am pregnant, Rajat. And it's all because of you. You promised me. You promised to marry me. Don't you ever think how I am going to survive? What? You are pregnant? You need to abort it. No. It's my baby. I don't want to kill my baby. I will raise it. This all is going out of our hands. You need to abort it. Sir ji, गुस्से से मैडम को देख रहे थे। मैडम जी सर जी को एक और चाटा लगाने के लिए आगे बढ़ी। It's my baby. It's our baby. How can you say that? उसे रोकते हुए सरजी ने मैडम को धक्का दे दिया। मैडम फर्श के पानी से फिसल कर जोर से जमीन पर गिर गई। उनके सिर से बहुत सारा खून बहने लगा। ये सब देखते देखते मैं भूल ही गया था कि मैं वीडियो बना रहा था। सरजी मैडम को बैठकर देखने लगे। मैडम जिंदा थी, वो अधमरी हालत में भी थी। मैडम जी सरजी को देख कर कुछ कह रही थी। You are dead. You will pay for this. मुझे कुछ सुनना ही नहीं दिया, लेकिन वो सब सुनकर सरजी को बहुत गुस्सा आया। और उन्होंने मैडम का गला दबाया। मैडम जी जोर जोर से झटपट आती रही। कुछ देर में सब रुक गया। अब वो पूरी तरह से मर गई थी। मैडम के गले की चैन सरजी के हाथ में फंस गई थी और वो चैन मछली के आकार की चैन थी। मैं चुपचाप वहां से जा रहा था, लेकिन घबराहट के मारे मेरे कदम लड़खड़ा गए। मैं किसी चीज से टकरा गया और सरजी को पता चल गया कि मैं देख रहा था। मैंने अपना मोबाइल जेब में छुपा लिया और मैं वहां से भागा। क्या देख रहा था तू? जी नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं देखा साहब, मुझे जाने दो, मैं गरीब आदमी हूँ। देख, अगर तूने मुझे फंसाने की कोशिश की तो मैं तुझे फंसा दूंगा।
पुलिस को बता दूंगा कि ये खून तूने किया है। मेरे पास पैसा है, वकील है, मैं आसानी से छूट जाऊंगा। ऐसा मत करो साहब, ऐसा मत करो। आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगा। मैं जिंदगी भर आपका गुलाम बनकर रहूंगा साहब। मुझे जाने दो साहब, मुझे जाने दो। उस बॉडी को ठिकाने लगाओगे? नहीं नहीं साहब, मैंने ऐसा काम पहले कभी नहीं किया। मैं जो बोलता हूँ वो कर। लाश को कॉटेज के पीछे दफनाने के बाद साहब ने मुझे 10,000 रुपए दिए और कहा, रख, तेरा मुंह बंद रखने की कीमत। आज के बाद ना ही हम पहले कभी मिले थे और ना ही तूने मुझे कभी देखा है। और हाँ, अगली बार जब भी आऊंगा रजिस्टर में मेरा नाम दिखना नहीं चाहिए। समझा ना? जी साहब। और ये कहकर वो वहां से चले गए। और फिर मैं हाथ मुंह धोकर सरजी का नाम रजिस्टर से मिटाने गया, लेकिन मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। साहब का नंबर रजिस्टर में है और साहब पैसे वाले भी थे। साला, तभी दिमाग में एक घंटी बजी। मैंने उसी टाइम अपना खेल खेलना शुरू कर दिया। हेलो हेलो सर जी, कैसा लगा वीडियो? साले, ये वीडियो कब बना ली तूने? डिलीट कर, नहीं तो मरेगा। मरोगे तो आप सर जी, अगर हर महीने 50,000 रुपए नहीं दिया तो। 10,000 रुपए दिए थे ना सर जी, वो तो मुंह बंद करने का था ना। वीडियो का अलग से देना पड़ेगा, वरना फंसोगे आप और मैं बन जाऊंगा गवाह। इंग्लिश में बोले तो आई विटनेस। मुझे लगा हिंदी वाला आपके समझ में नहीं आएगा। 50,000 चाहिए ना? मिल जाएगा, लेकिन वीडियो डिलीट हो जाएगी, इसकी क्या गारंटी है? टेंशन मत लो सर जी, जब तक पैसे आते रहेंगे वो वीडियो मेरे इस छोटे से मोबाइल में महफूज रहेगा। और इस मोबाइल पर गूगल पे भी चलता है, तो पैसे भेजो अभी के अभी। कमलेश, सुधर जा साले, नहीं तो फंसेगा साला एक दिन। आपकी तरह जिंदगी भर मुझे एक केयर टेकर बने नहीं रहना है, किसी ना किसी दिन मुझे भी फार्म हाउस का मालिक बनना। उसके बाद हर महीने 50,000 मेरे अकाउंट में आते रहे और मेरा लालच बढ़ता ही गया। कभी 60,000, कभी 80,000, तो कभी 90,000 मांगता रहा और धमकाता रहा। पिछले एक महीने से साहब ने ना फोन उठाया ना कॉल किया, कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लग रहा था कि अभी कुछ बड़ा होने वाला है। साहब, मैं आपको वो वीडियो भी दे देता हूँ, चाहो तो सारा पैसा भी दे देता हूँ साहब, लेकिन मुझे जेल नहीं जाना साहब। तावड़े, घेरे आना चौकी और बाकी बातें चौकी पे। अरे साहब, नहीं नहीं नहीं
दूसरी लाश कहाँ है? साहब मुझे सच में नहीं पता, मैडम की लाश हमने यहीं पर दफनाई थी, लेकिन ये सर जी कहाँ से आ गए मुझे सच में नहीं पता साहब। सच सच बता, कहीं तूने ही तो दोनों के खून नहीं किए? साहब मेरा यकीन करो साहब, ये सर जी पिछले 4-5 महीने से यहाँ आए भी नहीं थे, मुझे कुछ नहीं पता साहब ये सर जी के बारे में। दूसरी लाश कहाँ होगी? एक गोल्डफिश लाओ। गोल्डफिश? कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। इतनी गोरी मैम, वो भी नीले आंखों वाली, मैंने पहले कभी नहीं देखी। मैडम के गले की चैन सर जी के हाथ में फंस गई थी, मछली के आकार की चैन थी। स्प्लैश। ए, रुको मत, खोदते रहो। दूसरी लाश यही कही होगी।